हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मॉक्सिकाइंड सीवी टैबलेट के बारे में। देखो, जो मॉक्सिकाइंड सीवी टैबलेट है, यह एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है। जितने भी इन्फेक्शन होते हैं हमारे शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा, उन सबको दूर करने के लिए ये दवा दिया जाता है। और ये जो एंटीबायोटिक है, सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाली एंटीबायोटिक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में मॉक्सिकाइंड सीवी के बारे में, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकता है, कितने रुपए का आएगा, कहां पर मिलेगा, किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉक्सिकाइंड सीवी 625 टैबलेट के बारे में। इसमें दो स्ट्रेंथ आता है, एक 375 है और एक 625 mg है। तो ये दोनों एडल्ट के लिए है, 625 स्पेशली एडल्ट के लिए है, और जो 375 है वो जो 18 से 12 के बीच में है उनको दिया जाता है। तो अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो जो 625 है वो आपको 190 रुपये के करीब मिलेगा 10 गोली, और इसको मैनकाइन कंपनी द्वारा बनाया जाता है, मतलब एक गोली करीब करीब 19 रुपये में मिलेगी। और जो 375 है वो 210 या 230 के करीब में आपको मिल जाएगी, जो कि 22 रुपये पर टैबलेट आपको मिलेगा। थोड़ा महंगा है, लेकिन इसका फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फेमस है मॉक्सिकाइंड सीवी, जो कि आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें डाला गया है एमोक्सिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, और जो दूसरा है कल्वनोलिक एसिड, जो कि आपको एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। तो ये दोनों मिलके बनता है मॉक्सिकाइंड सीवी। फ़ायदे की बात करें तो आपके शरीर में बैक्टीरिया से इन्फेक्शन जितने भी होते हैं उन सब में यूज किया जाता है। स्पेशली जिन लोगों को गले में खराश रहता है वहाँ पे इसको देते हैं, अगर आपके कान में इन्फेक्शन है वहाँ पे देते हैं, या आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वहाँ पे देते हैं। घाव को सुखाने के लिए इसका यूज किया जाता है और काफ़ी फायदेमंद है। किसी अगर किनको घाव हो गया है, और बहुत बड़ा घाव नहीं है, नॉर्मली घाव है, तो उसको सुखाने के लिए ये आपको मॉक्सिकाइंड सीवी दे सकते हैं या कोई और ब्रांड भी दे सकते हैं, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। उसके अलावा अगर आपके हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, आपके शरीर में चेस्ट में निमोनिया हो गया है या फरेंजाइटिस हो गया है, तो आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया के द्वारा, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल लगभग हर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में किया जाता है, और उतना ही इसके फायदे हैं। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो ओमेटिंग, नौसिया, डायरिया, ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, बट बहुत कम मात्रा में। अगर आप इसका ओवरडोज लोगे तो और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे चक्कर आना और आपका सर घूमना, ये सब आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करूँ इसके डोज के बारे में कि हाउ टू यूज इट, तो मोस्टली इसको दिन में दो बार दिया जाता है, सुबह शाम, और ये आपको 3 से 5 दिन दिया जाता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर घाव को सुखाने के लिए दिया जाता है, तो ये महीने महीने सालों सालों चलता है घाव को सुखाने के लिए, क्योंकि घाव इतने जल्दी नहीं सूखता है, तो उस केसेस में ज़्यादा दिन तक दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात करूँ सेफ्टी की, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं, अपने से बिल्कुल भी ना ले। स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिला हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, वो अपने से बिल्कुल भी ना ले। जब भी लेना हो तो इसको डॉक्टर की सलाह से ले। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, आपको सीवियर कोई इन्फेक्शन नहीं है, या अपना कोई क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं है, बीमारी नहीं है, तो इसको आप ले सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको नज़दीकी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी मॉक्सिकाइंड सीवी 625 एंड 375 टैबलेट के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।